तन जोबन की झूठी आशा सत सत पाखे जन रविदास। इस संसार के अंदर असी शरीरक जोबन की गल करते हाँ, अपने को जवानी की सुंदरता कदे सदा टिकी नहीं रहती, बचपन का बालपन सदा टिकया नहीं रहता। तो गुरु प्यारियो जो हर एक चीज़ परिवर्तन होंदी है, शरीर परिवर्तन होंदा है, तो इसी तरह संसार के अंदर मर्यादावां, इसी तरह संसार की प्रक्रियावां, ये सब परिवर्तनशील है और परिवर्तन होंदा है। इसलिए वो परिवर्तन नूं मनदे होए आपां नूं सब नूं गुरु जी के सिद्धांतों के उपर चलण दे लई गुरु पातशाह ने प्रेरित किया है। गुरु रविदास महाराज जी के जीवन के अंदर अज साडे वीर गल कर रहे थे कि 52 राजियां दा राणियां दा जिक्र आउंदा है, पर किसी नूं 10-5 दसां तो नाम अगे याद नहीं है। मैं आप जी नूं दस दिंदा कि जिन्हें बंदियां ने PhD की है तकरीबन उन्होंने 26-27 बंदे मेरे नाल टच दे विच हन। तकरीबन मेरे को 35 उन्हां महापुरशां दे नाम है जिहड़े गुरु रविदास महाराज जी दे नाल जुड़े हुए सन, जिन्हें राजियां ने। असल दे विच की है कि उस समय ये जिहड़ा भारत वर्ष है ये 52 स्टेटां विच वंडिया होया सी, ते 52 स्टेटां दे 52 ही राजे सी। उस समय दा भारत ईरान तक सब एक सी, तां 52 राजे राणिए ही गुरु रविदास महाराज जी दे नाल उन्हां दी संगत कीती। उन्हां दा नाम दा ब्यौरा जिन्ना भी है तकरीबन साढ़े कोल 7 राणियां ते 35 राजियां दा नाम जड़ा है, बाकी हजे नाम जड़े है वह खोज चल रही है, आ जाएगा। तो गुरु रविदास महाराज जी इस संसार दे विच 151 वर्ष जीवन जी के गए, तो उन्होंने ये नहीं कि साढ़े लोग बस गाई जाते कि पत्थरी तारी ये कीता वो कीता, केवल पत्थर तारन वास्ते नहीं सी, गुरु रविदास महाराज जी तो इस डुबदी हुई कौम नूं तारन वास्ते आए से, क्योंकि सब तो दिल तो साढ़े पत्थर होए पे सी जुल्म सह सह के। अमर शहीद संत रामानंद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वालों ये उपराले किए जा रहे हैं कि भाई गरीब बच्चों को शिक्षा देनी और गरीबों की भलाई के लिए काम करना, क्योंकि गुरु रविदास जी ने सानू मूर्ति पूजा के नाल नहीं जोड़िया, गुरु रविदास जी ने सानू मानवता प्रेम सिखाया, मानव का प्रेम सिखाया, इंसाना का प्रेम सिखाया। अगर जे तुसीं गल करदे हो तां माधव दास की जिहड़ी माधव जी की मूर्ति है जूनागढ़ के अंदर, वह गुरु रविदास जी के चरणों की धूड़ लैण वास्ते उस मंदिर की दीवार फाड़ कर भी सामने आ गई। तो इस तो प्रतख होंदा है कि गुरु रविदास जी के चरणों के विच पंजे तत्व जिहड़े आ वह भी हाजरी लवाउंदे सन, क्योंकि मूर्ति बनती कितों है पत्थर तो, पत्थर कितों पैदा होंदा है धरती तो, धरती भी पृथ्वी का एक तत्व है। कलयुग के अवतारी सतगुरु रविदास महाराज जी, अगर जे तुसी देखो पुरातन समय वाल थोड़ी जी झात मार के, थोड़ी जी लोड़ है ज्ञान दी, अगर सतयुग दे विच आए तो सतयुग दे विच कहिंदे सत प्रधान है, तो सतगुरु के सतयुग के अनुसार ब्राह्मण वर्ण 4 वर्ण बनाए गए हैं, 4 युग है, तो 4 युगों के विच एक वर्ण प्रधान होंदा है। तो वह वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर जे देखा जाए तो पुरातन समया तो मैं थोड़ी जी गल करांगा कि सतयुग के विच ब्राह्मण वर्ण प्रधान, तो अवतार भी ब्राह्मणा दे विच है, तो त्रेते विच खत्तरी वर्ण प्रधान है, तो अवतार भी खत्तरिया दे विच है, रामचंद्र अवतार आदि, तो द्वापर दे विच वैष्णव वर्ण प्रधान है, तो अवतार भी वैष्णवा दे विच है, कृष्णचंद्र आदि मानते हैं ना, ये तो गल सारे लोग सुनते हैं और ये सानू दसिया जाता है। फिर जो कलयुग आया तो हुण अपने कोल हत्थां ते घड़ियां लगियां है, घड़ी एक पासे नूं चलदी है दूजे पासे नूं चलदी नहीं है, जे उल्टी चलेगी ना आपां कहांगे घड़ी खराब हो गई इहनूं सिट दिओ, यही कहांगे। तो बस इस तरह समय का चक्कर एक पासे नूं चलदा है, सूरज अज भी पूर्व दे विचों उठदा है तो पश्चिम के जाके घरो जाता है, गुरु प्यारे सूरज एक पास्यों निकलता कदे उल्टी दिशा चो निकलता ही नहीं है। तो जदों प्रकृति एक निजम के चलती है तो गुरु प्रेमियों
फिर कलयुग दे विच अगर शूद्र वर्ण प्रधान है तो अवतार खत्रियां च नहीं आ सकता, अवतार ब्राह्मणा च नहीं आ सकता, अवतार वैष्णवां दे विच नहीं आ सकता। कलयुग दे विच अगर शूद्र वर्ण प्रधान है तो अवतार भी शूद्र वर्ण दे विच है, वह है मेरे जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी। और जगत गुरु रविदास महाराज जी ने मानवता की प्रेम दे ले, मानवता की सेवा दे ले 151 वर्ष का जीवन इस संसार नूं समर्पित किया। ते गुरु प्यारियो अज असी उन्हां दियां कीतियां होईयां घालणावां, उन्हां दियां कीतियां होईयां मेहनतां, उन्हां दियां कीतियां होईयां कुरबानियां आपसी लड़ाइयां दे विच मिटाउंदे जा रहे हां। असी भुल गए गुरु जी दे संदेश नूं, असी पकड़ लिया मनुस्मृति की सोच, असी भुल गए हाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतमय अमृत बाणी की सोच। जिस दिन असी बाणी नूं पढ़ना सीख लिया, जिस दिन अमृत बाणी दे नाल जुड़ना सीख लिया, तुहाडे अंदरों गुरु रविदास जी की आवाज आएगी, क्योंकि बाणी गुरु रविदास जी की अंतर आत्मा तो पैदा हुई। ब्रह्म बाणी ब्रह्म नाद है, जड़ा बाणी नूं पढ़ूगा उही तरूगा, अन्यथा इस संसार दे विच तिन्ने तापां च कड़दा है ते कड़दा रहेगा ते अगे भी कड़ूगा, खत्म हो जाएगा तिन्ना तापां दे विच। इसलिए वध तो वध बाणी नूं पढ़ो, बाणी दे नाल जुड़ो। ते गुरु प्यारियो बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी सानूं अपनी बाणी दे अंदर संतां दे प्रथाए की समझाना कर रहे, आओ संतां नूं समझना करिए। ते संतां दे नाल अगर जे असी जुड़ांगे तां सानूं गुरु रविदास जी दी अमृतमय अमृत बाणी दा पता लगू, ते जेड़ा गुरु रविदास जी दी अमृतमय अमृत बाणी दा संदेश देवेगा, उहदे प्रति सानूं विचार देवेगा, उहदा व्याकरण सुनाएगा, उह संत तां साडा पूजनीक है, जेड़ा सानूं गुरु रविदास जी दी बाणी तो अलग करके मनुवादी सोच वालू लैके जाएगा, उस तो असी पिछे ही चंगे। ते इसलिए गुरु प्यारियो गुरु रविदास जी की सोच दे विच संत की परिभाषा की है, आओ संत की परिभाषा गुरु रविदास महाराज जी की बाणी सानू क्यों समझाना कर रही है। संत तुझी तन संगत प्राण, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, संत तुझी तन संगत प्राण, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, संत तुझी तन। संत तुझी तन संगत प्राण, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, 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 स
सत गुर ज्ञान जन संत देवा देव संत तुझी तन तुझी तन संगत प्राण ये मेरी बेनती है उस अकाल पुरख उस पार ब्रह्म दा। अगर जे तुसी साक्षात्कार रूप देखना तो कहिंदे संतां दा तन उस रब दा तन है ते संगत संतां दे प्राण है तो उस अकाल पुरख उस परमात्मा दे भी प्राण है। प्राणा तो बिना तन किसी काम दा नहीं है। जे किते शरीर दे विच प्राण ना होण तां आपां की करदे उहनू चट फूकण की कोशिश करते हैं। तो प्राणा शरीर तो बिना प्राणा की कोई वैल्यू नहीं है। अगर जे असी प्राण शरीर के रखांगे तो गुरु प्यारियो फिर असी उसकी संसार च पूजा कर सकते सानू कोई चंगा मार्ग मिल सकता है। संत तुझी तन है परम पिता संत तेरा तन है ते संगत प्राण है। इस संसार की जड़ी संगत संगत केड़ी होंदी है जड़ी सत दे नाल सत संगत मिल रही है। माधो जैसे मधुप मखीरा कहिंदे ओ संगत उस परम पिता दा परमात्मा दा रूप है उहदे प्राण है। एक बार किसी ने सवाल किया है कि संतां दा दर्शन करन वास्ते करन दा की फायदा हुंदा है। एक जग्यासु ने संतां कोल जानना चाहिया तां संत महापुरश कहिंदे कि कोई गल नहीं पुत्रा इस दा जवाब तैनूं समा आउण ते दे देंगे। ते गुरु प्रेमियो हुण ओह जग्यासु ओह सेवादार हर रोज़ महापुरशां दे दर्शन करन वास्ते आउंदा है घरों क्योंकि संतां दे दर्शन करन दा भी एक मतलब है। असी लोग तुरदे हां संतां दे दर्शन करन वास्ते की कह के जांदे हां चलो बई अज डेरा बल्ला चलीए प्रसाद चढ़ाइए चलो बई उत्थे जा के महापुरशां नूं कपड़े दे आइए। साडे लोगों की साडी सोच है अज पिंड दे विच गुरु घर भी जांदे हां ना की कहंदे हां चलो बई बाबे दे दीवा जगाइए चलो बई बाबे दे प्रसाद चढ़ाइए। ओह असी भुल गए परमदिगार आलम इस सारे संसार नूं रोटी दिंदा है वह साडे भोग का मुथाज नहीं है। जिहड़ा सारे संसार का नंग ढकदा है वह साडे किते छोटे जिहे रुमालियां का मुथाज नहीं है। ते गुरु प्यारियो गुरु रविदास जी ने इसे करके नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासा रे उन्होंने इसे गल के नाम ती उतार आरती उतारी है। पर असी वो शिक्षा नूं भुल गए असी तुर पे संसारिक चीज़ां नूं लैके। गुरु प्रेमियो मैं वाकई ये सीना ठोक के कहना कि मैनू हजे तक कोई एहो जी माँ की धी नहीं मिली एहो जा कोई माँ का पुत नहीं मिलया जिहड़ा घरों ये कह के तुरे के मैं चला अपने गुरु पातशाह नूं मिलन वास्ते मेरा गुरु पातशाह मेरा रास्ता उड़ीक रहा है। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जिस दिन साड़ी विचारधारा बदल जाएगी साडे मन च विचार होणगे असी गुरु महाराज के चरणों के खलो के कहना बंद कर देंगे कि गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रगट गुरु की दे क्योंकि जदों असी नहीं मनिया तो संसार किदा मन लो। जो असी गुरु रविदास जी की अमृतमय अमृत बाणी नूं हजे तक साक्षात्कार नहीं मनांगे उस सतगुरु रविदास जी का रूप तो लोग नहीं मन सकते। इसलिए पहला असी मनना है जो भी तुसी संतां नूं मिलन जाओ जो भी कितने महापुरशां दे चरणां दे विच जाना तां इह गल दिल दे विच ला के जानी कि मैं अपने गुरु नूं मिलन चला बस सामने गुरु होवे तां तुसी सेवक होवो तां जो सेवक बन के जाओगे सेवक का पात्र जिहड़ा है भांडा जिहड़ा है वह गुरु जी की कृपा लैके ही आऊगा अन्यथा गुरु प्यारे बस रुमाले चढ़ाने रुमाले चढ़ाउण जोगे रह जाओगे कृपा तो वांझे ही रह जाओगे। इसलिए कहिंदे कि जिस समय वह जग्यासु कहिंदा महापुरशो मैनू संतां नूं मिलण दा रास्ता दसो तां संत कहिंदे कि भाई कदे दिलों तुर के आई क्योंकि जदों कहिंदे साध को मिलने जाइए साथ ना लीजै कोई भावे संसार दीआं चीज़ां त्याग दिओ
तो मन च भाव होना चाहिए कि बस गुरु नू मिलन चलना। तो हूँ उस जग्यासु की भी जड़ी अंदर की भावना बदल गई, तो गया महापुरशा नू मिलन वास्ते, ते मिल के जो बाहर निकलिया तो सामने एक दरख्त सी। उस दरख्त ते कां ते कौणी का एक जोड़ा बैठा है। जदों जोड़ा देखता है तो उन्हां सेवक दी ते उस जोड़े दी अखां टकराइयां, एक दूसरे वालों नज़र पई तो कहिंदे सेवक अपने राह चले गया। तो जिउं दूसरा दिन होया, फिर इसे तरह उस सेवक दर्शन करन वास्ते आया, तो दूसरे दिन की देखता है कि उत्थे एक तोता ते एक मैना बैठी है। तो उस जगह ते फिर उन्हां दीआं निगाह टकराइयां, जदों निगाह टकराइयां तो गुरु प्यारिओ फिर कहिंदे कि सेवक उत्थों चले गया। तीसरे दिन जदों संतां दे दर्शन करके बाहर निकलिया तो उस जगह ते हंसां दा जोड़ा बैठा है। फिर निगाह टकराई तो सेवक अगे चले गया। जदों चौथे दिन महापुरशां दे दर्शन करके निकलिया ना, तो उत्थे देवरूहां मानस शरीर खड़ा है, उन्हां दे चरण स्पर्श कर रहा है। कहिंदे भाई मैं तुहानूं पहचानिया नहीं, तुसीं कौन है? कहिंदे महापुरशो असी ओही हाँ जिहड़े पहले दिन कां दा जीवन सी, दूसरे दिन तोते मैना दा जीवन सी, तीसरे दिन हंसां दा जीवन सी, ते चौथे दिन तुहाडी कृपा हो गई मनुख दा शरीर मिल गया। संतां दे दर्शन करन दे नाल कहिंदा मैं समझिया नहीं। कहिंदे आओ फिर तुहानूं समझांदे, संत महापुरशां दे कोल लै गए। तो संत महापुरश कहिंदे तुसीं सवाल कीता सी ना संतां दे दर्शन करन दा की मतलब है, की फायदा है? कहिंदे आ फायदा है। हुण इहदी उदाहरण किस तरह है, जदों आपां बिना गुरु तो हुंदे आ तां साडा जीवन जिहड़ा कामां वाला है, असीं कामां रौली ज़्यादा पाउंदे हां। आम देख लियो, चाहे कोई गीतकार है, चाहे राइटर है, चाहे कोई गायक है, जब तक उहने कोई चंगा उस्ताद नहीं धारण किया उहदी कलम दे विच दम नहीं हुंदा। जदों उसने किसी नूं अपना उस्ताद मान लिया तो उहदी कलम का दम जिहड़ा बदल जाता, फिर तोते की तरह वह सारिया नूं उहदी कलम की लिखी वह गल चंगी लगती है। तोता बोलदा ना बड़ा वधिया लगता है। तो फिर कहिंदे तोता भी अगर गुरु की संगत दे विच रहे, संतां की संगत करता रहे, अपनी मैं दे विच ना आवे, भाव लोगों की प्रशंसा विच ना फसे, तो उहदा जीवन अगे हंस वर्गा हो जाएगा। ते हंस फिर समुंदर दे डूंघे पानी दे विचों विचारां दे मोती चुन चुन के संसार लई लियांदा है। इसे तरह गुरु प्यारिओ जिहड़ा राइटर हुंदा उह वी संसार लई चंगे विचार लैके आउंदा है। ते जदों उह हंस वाला जीवन कहिंदे फिर भी गुरु दे नाल जुड़िया रहा, गुरु दे नाम दे नाल जुड़िया रहा, तां फिर गुरु पातशाह उस दे अंदरों उह परम प्रवेश परम द्वार दा दरवाजा खोल दिंदे जिहड़ा परम धाम दे नाल जुड़दा है। इस लई उस नूं देवता भाव देव दे नाल जोड़ दिंदे। इह शरीर दे अंदर जो साडी पावर है, राम जिसनूं कहिंदे, रामैया जिसनूं कहिंदे, उह पंज तत्वां दे नाल पैदा होण वाली आपसी रगड़ दा नाम उह परमात्मा, उह परम आत्मा जिहड़ी है कहिंदे उस दे नाल मेल दिंदे, तां उस नूं देव रूह कहा जांदा। सारे छल कपट तो रहत हो जाणा, सारियां चीज़ां तो रहत हो जाणा, हर एक विकारां तो रहत हो जाणा, फिर कहिंदे उसी रूह जिहड़ी उस रब नूं मिलदी है। इस लई इन्हां संतां दे चरणां दे विच आ के सानूं इही फायदे मिलदे हन। संत तुझी गन संगत प्राण, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जन संत देवा देव, सतगुर ज्ञान जन संत देवा देव, संत तुझी तन और एक मागो
संगत तुझी तन संगत प्राण संत तुझी तन संगत प्राण सत गुर ज्ञान जन संत देवा देव 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 सतगुरु ज्ञान जानै संत देवा दे उस पार ब्रह्म दा ज्ञान अगर है ता संतां महापुरशां नूं है ते गुरु प्रेमियो जड़े आप रब नूं मिले होवन ओही दूसरे नूं मिला सकदे है इसलिए इहो जिहे महापुरशां दा दर्शन सानू भव तो पार कर सकता है इस संसार सागर तो पार कर सकता है तुहाडे मन दे विकारां नूं खत्म कर सकता है। धन्यवाद करदा हाँ मैं क्रांति टीवी दे मेरे वीर सुरेंद्र बब्बू जी दा जिन्हां ने अपनी विशेष टीम जिहड़ी है इस प्रोग्राम नूं कवरेज वास्ते लगाई हुई है। गुरु प्रेमियों इन्नी सेवा प्रवान करनी जय गुरुदेव धन गुरुदेव।